हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक एज यू कैन सी इज यूरोपियन यूनियन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एंट्रेंस एग्जाम, चाहे हम लॉ की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की बात की जाए। इसके दो यूरोपियन यूनियन से दो तरीके से सवाल बनते हैं। एक होता है इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर क्वेश्चन और दूसरा होता है इसके प्रेजेंट पर क्वेश्चन। प्रेजेंट का सेक्शन हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं बिकॉज डे टू डे बेसिस पर जो यूरोपियन यूनियन में चेंजेस आए हैं उस पर और उसके रेलेवेंस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो। बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द डिस्क्रिप्टिव मैनर इन विच यू कैन लर्न दिस टॉपिक। इसके बेसिस को जानना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं जब भी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस ड्यूरेशन की बात करते हैं, उस ड्यूरेशन से किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई, यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन है क्या, ये यूरोपियन देशों का समूह है क्या। सो द यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज विच कवर ऑलमोस्ट द कॉन्टिनेंट। एंड अब इसके गोल को देखें, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिंगल इंटरनल मार्केट। प्रेजेंटली यूरोपियन यूनियन कंप्राइजेज ऑफ 27 नेशंस। प्रेजेंट की सिचुएशन की बात की जाए, देर आर 27 नेशंस अंडर द बैनर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अर्लियर इसी साल के हम शुरुआत की बात करें, इट वॉज 28 एंड जस्ट नाउ ब्रिटेन हैज एग्जिट, दे हैव विड्रॉन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। एज दे हैव विड्रॉन, ये नंबर रिड्यूस हो गया फ्रॉम 28 टू 27। दैट वॉज टर्म्ड एज ब्रेग्जिट, ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। उस पर भी हम आएंगे, पर सबसे पहले समझते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन के बनाने के पीछे तर्क क्या थे। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन या बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि यूरोपियन यूनियन का प्लान आया किसके दिमाग में। क्या सीधा वो यूरोपियन यूनियन ही बना या उसका कुछ पहले कोई एक ऑर्गेनाइजेशन रहा हो जो एज अ प्रीकर्सर काम करता हो। तो इसको समझने के लिए विल गो थ्रू अ नेम, रिचर्ड निकोलस इज़ीरो। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रिचर्ड निकोलस इज़ीरो। नाउ हु वाज रिचर्ड निकोलस इज़ीरो? ही इज कंसीडर्ड एज द पायनियर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इन्होंने यूरोपियन यूनियन नहीं बनाया था, बट यूरोपियन यूनियन बनाने का ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था कि यूरोपियन यूनियन एक सिंगल मार्केट क्रिएट की जाए जिसमें सारे यूरोप की कंट्रीज को कवर किया जा सके। इसलिए हम इनको कहते हैं पायनियर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी दैट वॉज कॉल्ड पैन यूरोपियन यूनियन। पैन यूरोपियन यूनियन, और इस पैन यूरोपियन यूनियन के पहले प्रेसिडेंट भी रिचर्ड निकोलस इज़ीरो ही बने थे। इनकी एक बुक थी जो बहुत फेमस है, उसका नाम है पैन यूरोपा। कई बार कई पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पैन यूरोपा इज द बुक ऑफ रिचर्ड निकोलस इज़ीरो। सो ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया बट लेटर ऑन टू द सिटीजनशिप ऑफ जापान, और लास्ट जब ये डेथ से पहले इन्होंने फ्रांस की सिटीजनशिप ले ली थी। मूविंग फॉरवर्ड, आई होप ये सिंपल सा फैक्ट आपको क्लियर है। पायनियर ऑफ यूरोपियन यूनियन, या उस यूनियन को नाम दिया गया पैन यूरोपियन यूनियन, और इसी पर इनकी बुक है पैन यूरोपा। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं कुछ और फैक्ट्स रिलेटेड टू द यूरोपियन यूनियन। पैन यूरोपियन यूनियन तो हमने एक बिल्कुल ही बेयर मिनिमम थॉट, जहाँ से यूरोपियन यूनियन के बनाने की बात कही गई वो तो हमने देखा कि उसको कहा गया पैन यूरोपियन यूनियन। बट सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसको तरीके से प्रीकर्सर कहा जा सके, फैक्चुअली जहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट रहें, दैट वाज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। This European Economic Community was
फाउंडेड इन द ईयर 1958, इसका डिस्कशन 1957 में चलता रहा, एक हम कहें फाउंडेशन जो था वो 57 में डल गया था, बट इट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1958, 1958 में ये एग्जिस्टेंस में आया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देर वर 6 पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स जो कि पार्ट बने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का। लेट्स हैव अ लुक एट इट। इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बनाने वाले की अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को बनाने वाले में हमेशा एक नाम आएगा, वॉल्टर हॉल्स्टन। ये वॉल्टर हॉल्स्टन ही इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने थे, यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज वॉल्टर हॉल्स्टन। ही वॉज फ्रॉम जर्मनी, तो इन्होंने ही पहला यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो था उसका पहले प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो देर वर 6 कंट्रीज अंडर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसमें आता है आपका बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, इटली, फॉलोड बाय फ्रांस, एंड लास्ट इज वेस्ट जर्मनी। सो देर वर 6 कंट्रीज, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी। ये 3 कंट्री के एसोसिएशन को बेनेलक्स नेशंस बोलते हैं, BENELUX, बेनेलक्स नेशंस। इटली, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी साथ में थे। वेस्ट जर्मनी, आज जिस कंट्री को हम जर्मनी के नाम से जानते हैं या फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी FRG, इससे पहले इसको बॉन रिपब्लिक भी बीच में कहा गया था, और कोल्ड वॉर का टाइम जो उनका था उसके बाद ये वापस से एनेक्स हुआ, जर्मनी का पार्ट बना और फिर इसको प्रॉपरली जर्मनी कहा गया या फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। बीच में इसकी कैपिटल जब बॉन के नाम से जाना गया तो बॉन वॉज द कैपिटल ऑफ इट, एंड प्रेजेंटली देर इज बर्लिन इज द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। 1958 में ही अगर हम एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट वॉज यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। दिस यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी वॉज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द ईयर 1958, और ये एक यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी वॉज फाउंडेड बाय लुई आर्मंड, फ्रॉम फ्रांस। सो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा इसकी वैल्यू थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि आपको नाम से ही समझ आ रहा है उस दौर में एटॉमिक एनर्जी रिसर्च पर बात की जाती थी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वेराज ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था बिकॉज बात करता था इकोनॉमिक कम्युनिटी की, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, यूरोप में किस तरीके से कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको अपने साथ जोड़ा जाए और एक सिंगल मार्केट क्रिएट करने की बात कही जाए। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में इनिशियली देर वर 6 कंट्रीज, लेटर ऑन इसमें कंट्रीज ऐड होती चली गई, और फिर प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं देर आर 27 कंट्रीज, बिकॉज एक कंट्री ब्रिटेन जो है वो एग्जिट कर चुकी है, कई जगहों पर अभी धीरे धीरे चेंजेस आएगा, बिकॉज ब्रिटेन का भी जो एग्जिट है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जनवरी में जब उन्होंने एग्जिट किया है ब्रिटेन ने, उसके बाद से लेकर दिसंबर तक देर विल बी अ ट्रांजिशन फेज, ठीक है, बदलाव का फेज चल रहा है। इस साल के एंड में ये बदलाव कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल से फिर हम इसको 27 प्रॉपरली कह सकते हैं कि 27 नेशंस आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन। नाउ मूविंग ऑन, आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन के ही एक अग्रीमेंट पर, जो डायरेक्टली तो यूरोपियन यूनियन का अग्रीमेंट नहीं है, बट हाँ यूरोपियन कंट्रीज के एसोसिएशन में कुछ रिकमेंडेशंस के बेसिस पर उसको बनाया गया था, दैट इज कॉल्ड शेंगेन अग्रीमेंट। दिस इज अ कॉमन वीजा पॉलिसी। एक कंट्री का वीज़ा लीजिए, बाकी सभी कंट्री में एंट्री पा जाइए। तो ये आपने बहुत बार टीवी पे एड्स देखे हैं SOTC, थॉमस को, क्या जितने भी आपके टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट्स के वेबसाइट्स होती हैं उस पर ये लिखा रहता है, प्लान अ 7-day 8-night holiday trip इन
इन जर्मनी, इटली, फ्रांस, पोलैंड, इस तरीके से होता है कि भाई आप एक ही वीज़ा, क्योंकि आप अलग अलग कंट्री का जब आप नाम ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अलग अलग कंट्री के वीज़ा चाहिए होते हैं, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू प्रोक्योर वीज़ाज फॉर डिफरेंट कंट्रीज़। बट यूरोप में ऐसा नहीं है, यूरोप में जो पॉलिसी फॉलो हो रही है दैट इज़ कॉमन वीज़ा पॉलिसी, दैट इज़ कॉल्ड शेंगेन अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट के थ्रू ये कॉमन पॉलिसी पर बात आई थी, कॉमन वीज़ा पॉलिसी बनाया गया था। सो बेसिकली दिस वॉज एन अग्रीमेंट टू विच वॉज इनैक्टेड टू अबॉलिश दी बॉर्डर चेक्स। बॉर्डर पे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे बॉर्डर पे जब हम जाते हैं तो जो चेकिंग्स होती हैं उसको अबॉलिश करने के लिए इस अग्रीमेंट को इनैक्ट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इस अग्रीमेंट को समझना। सो शेंगेन अग्रीमेंट का नाम शेंगेन इसलिए रखा गया है बिकॉज इट वॉज साइंड इन शेंगेन सिटी विच इज़ इन लग्जमबर्ग, अ वेरी फेमस साइट फॉर वाइन मैनुफैक्चरिंग। बहुत अच्छी वाइन वहाँ से आती है। सिंस हम लोगों ने बात की कि भाई ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, शेंगेन अग्रीमेंट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो इसलिए कई सारे नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ भी हैं विच आर अ पार्ट ऑफ शेंगेन अग्रीमेंट, जैसे कि नॉर्वे की हम बात करें, स्विट्ज़रलैंड की बात की जाए, मोनाको की बात हो, या हम बात करें सैन मरीनो की, वैटिकन सिटी की, ये सब कंट्रीज़, आइसलैंड, ये कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है बट दे आर अ पार्ट ऑफ शेंगेन अग्रीमेंट। बट मोस्टली सारे ही यूरोपियन यूनियन के जो पार्ट हैं वो हिस्सा रहे हैं शेंगेन अग्रीमेंट का, एक्सेप्ट आयरलैंड। आयरलैंड इज अ यूरोपियन यूनियन मेंबर बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेंगेन। और हमने नॉन यूरोपियन यूनियन की तो बात कर ही ली जो शेंगेन में हिस्से में आते हैं इनके। तो चलिए बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। सो अगला पार्ट यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन में, अभी हमने यूरोपियन काउंसिल की बात की है, इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसको हमने कहा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, अब हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी की जो यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट किया, मींस जो एग्जैक्टली यूरोपियन यूनियन का प्रिकर्सर है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनने के बाद जो एग्जिस्टेंस में आया दैट वॉज, या उसी का हम एक डेवलप्ड फॉर्म कहें, दैट वॉज मैस्ट्रिक ट्रीटी। मैस्ट्रिक ट्रीटी जो साइन किया गया था वो मास्ट्रिक सिटी में किया गया था और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। सो इट इज़ इन नीदरलैंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन, ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो इट वॉज मास्ट्रिक ट्रीटी जिसके बेसिस पर ये एग्जिस्टेंस में यूरोपियन यूनियन आया है। और मास्ट्रिक ट्रीटी की अगर बात की जाए तो इट वॉज साइंड इन द ईयर 1993, 1 नवंबर के दिन 1993 में मास्ट्रिक ट्रीटी को साइन किया गया था। और यहीं पर जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हम लोग अब तक बात कर रहे थे, दिस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी वॉज रिप्लेस्ड विद इकोनॉमिक कम्युनिटी। हमने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया विद इकोनॉमिक कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू ही तीन पिलर्स की बात की गई थी, फाउंडेशन की बात की गई थी यूरोपियन यूनियन के, जिसमें एक कॉमन इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात की गई कि भाई एनवायरमेंट की बात की जाए या इकोनॉमिक या सोशल लेवल की बात की जाए तो एक कॉमन लॉ फॉलो किया जाएगा। सिमिलरली एक कॉमन पुलिस और जुडिशियल लॉ की बात की गई, साथ ही साथ बात की गई थी एक कॉमन सिक्योरिटी के बारे में। तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से ही अगर हम कहें तो एक तरीके से विजन्स और गोल्स इस्टेब्लिश कर दिए गए थे यूरोपियन यूनियन के। देखें आगे तो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद जो ट्रीटी साइन हुई दैट वॉज कॉल्ड लिस्बन ट्रीटी। सो लिस्बन नाम से फिर पता चल गया आपको कि ये पोर्टुगल में साइन हुआ था। इट वॉज साइंड इन द ईयर 2007। साइन जो इसको किया गया था वो तो 2007 में हुआ था और एग्जिस्टेंस में ये 2009 में आया। तो ये ट्रीटी 2009 में एग्जिस्टेंस में आने के बाद ही बात कही गई कि ये जो यूरोपियन काउंसिल है इसका एक प्रेसिडेंट होगा, ये बात कही गई थी लिस्बन ट्रीटी में। साथ ही साथ ये कहा गया कि भाई जो भी कंट्री एग्जिट करना चाहती है उसके लिए डिक्लेरेशन बनाया गया कि भाई किस तरीके से कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन से बाहर जा सकती है।
और साथ ही साथ एक फंडामेंटल राइट्स के चार्टर भी इशू किए गए। तो पूरी तरीके से एक इवॉल्व मैनर में जो यूरोपियन यूनियन प्लेटफॉर्म पर आया, दैट वॉज थ्रू लिस्बन ट्रीटी विच वॉज साइंड इन 2007 इन पोर्टुगल। तो इसके साथ ही ये पूरे का पूरा हिस्टोरिकल पार्ट जो है ये हमने कवर कर लिया है यूरोपियन यूनियन को। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियो। जैसा कि हमने बात किया था, देर आर 27 मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। देर इज ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टी, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुएनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोर्टुगल, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। दीज आर दी 27 कंट्रीज विच आर राइट नाउ द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। एक अभी और एक्ट था जिसपे हमने कई डिस्कशन कर लिया है, दैट इज यूके। तो वो 31 दिसंबर 2020 तक उसका ट्रांजिशन फेज चल रहा है। नाउ लेट्स हैव लुक एट सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। देर आर 24 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन यूरोपियन यूनियन। 24 अलग अलग भाषाओं को ऑफिशियल रिकग्निशन मिली हुई है और इनकी एक कॉमन जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो ये फॉलो करते हैं, जिसको यूरोजोन कहा जाता है। यूरोजोन 19 कंट्रीज एक्सेप्ट करती है, दैट मीन्स यूरो एज अ करेंसी 19 कंट्रीज एक्सेप्ट करती है। रेस्ट अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ अपने करेंसीज भी हैं जो ऑफिशियली रिकग्नाइज माने जाते हैं। सिंस हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई एक उनका अपना टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, इसलिए एक डिफैक्टो कैपिटल भी है उनके पास। डिफैक्टो यानी रिकग्नाइज्ड नहीं है बट ऐसा माना जाता है। सो ब्रसल्स इज़ द डिफैक्टो कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन, सिंस वहीं पर इकोनॉमिक जो उनकी मीटिंग्स होती हैं, यूरोपियन काउंसिल का चेयर जो करने वाली सिटी है, दैट इज़ ब्रसल्स। इसलिए ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, वहीं पर डिफैक्टो कैपिटल भी कहा जाता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट थ्री इंपॉर्टेंट पोस्ट इन यूरोपियन यूनियन। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट की, तो हमारे पास आता है सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड द प्रेजेंट प्रेजिडेंट। ये आपको याद होने चाहिए, तीन पोजिशंस और प्रेजेंट सबके आपको पता होने चाहिए। सो प्रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल इज कार्ल मिशेल, हु इज फ्रॉम बेल्जियम। कार्ल मिशेल फ्रॉम बेल्जियम, अर्लियर ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट इज प्रेजिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी हम यूरोपियन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। एक सिस्टम है उनके यहाँ पूरे का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव सिस्टम जिसको कहा जाता है। सो प्रेजिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट इज डेविड सिसोली, हु इज फ्रॉम इटली। देन फॉलोड बाय प्रेजिडेंट ऑफ द कमीशन, दैट मीन्स यूरोपियन कमीशन, अर्सला फॉन दर लेन इज द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, हु इज फ्रॉम जर्मनी एंड डेविड सिसोली फ्रॉम इटली। तो ये तीन पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सिर्फ प्रेजेंट प्रेजेंट की बात रहेगी, आगे कभी और बदलेगा तो आपको नया अपडेटेड याद रखना होगा। अब बात आती है कि भाई यूरोपियन पार्लियामेंट का हमने एक सिस्टम पता किया, भाई किस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है। तो एक लेजिस्लेटिव सिस्टम है। सो लेजिस्लेटिव सिस्टम में प्रपोजल्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे कोई लॉ बनता है, तो हाउ प्रपोजल्स आर एक्सेप्टेड। तो प्रपोजल इज पुट फॉरवर्ड बाय यूरोपियन कमीशन। सबसे पहले यूरोपियन कमीशन अपना प्रपोजल रखता है आफ्टर मेकिंग अ कंसेंसस। देन दैट प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का काउंसिल उसको अप्रूव करता है एंड एट लास्ट इट इज पास्ड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट और वो एक लॉ बन जाता है। तो एक सिस्टम मैप है पूरा इनका और बहुत ही एफिशिएंटली ये काम करते हैं। अब बात आती है कि भाई डायलेक्ट को लेकर इशू हो सकता है। सो लैंग्वेज की जहाँ तक कहानी है, अभी हमने बात की कि देर आर 24 ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेज, बट उसमें से सबसे मेजर शेयर जो कोई लैंग्वेज की है, दैट इज़ जर्मन। लगभग 18% टोटल यूरोपियन यूनियन का जो है वो जर्मन में डील करता है। वेर एज मीन्स हम ये लोगों की बात कर रहे हैं, आम लोगों के डायलेक्ट की बात कर रहे हैं। तो टोटल यूरोपियन यूनियन की आबादी अगर देखी जाए तो अप्रॉक्स 45 करोड़ पीपल्स आर देयर इन, या 450 मिलियंस आप कह सकते हो। तो उसमें से मेजरली 18% लोग जो हैं वो जर्मन बोलते हैं, 13-14% लोग उसमें फ्रेंच हैं, और लगभग 12-13% के बीच इटालियन है। ये तीन मेजर लैंग्वेज आती है। सिंस बहुत ही पिक्यूलियर मैनर में यूरोपियन यूनियन का पूरा सिस्टम मैप रन होता है, इसलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज सुई जेनेरिस, यानी कि यूनिक। तो बहुत ही यूनिक तरीके से यूरोपियन यूनियन काम करता है, और यही वजह है क्योंकि ग्रुप है, सारी की सारी कंट्री काफ़ी हाई नेटवर्थ इनकम में आती है, HDI में काफ़ी ऊपर प्लेस किए जाते हैं। तो ऑब्वियस है कि इन सब में जो एक वर्किंग कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी ये लोग काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। बट अगेन
इसमें से भी एग्जिट हुए हैं और देर इज़ वन ओनली वन एग्जाम्पल दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम विच हैज़ एग्जिटेड इन जनवरी, तो वो आपको याद रखना है जिसको हमने कहा ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत क्रिस्प छोटी सी वीडियो होगी विच विल रिलेट अगेन विद दी फैक्ट्स ओनली। तो इतनी चीज़ें आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में जाननी थी, आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के साथ क्लियर हो जाएंगे यूरोपियन यूनियन को लेकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी अगेन बैक विद अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।